हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं कुछ आपके लिए ज़ीरो कॉस्ट कुछ हैक्स लेकर आई हूं किचन से रिलेटेड एंड होम से रिलेटेड। वीडियो पसंद आती है, आपको कुछ यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टोटल फ्री है और जो इसका बेल आइकन होता है ना उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो मैं अपडेट करूँगी उसमें तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब करे आप चैनल को देखते रहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छी अच्छी अपडेट्स के लिए एंड अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कि आज मैं कौन कौन से हैक्स लेकर आई हूँ। कोई भी हैक्स अगर आपको काम का लगता है, कोई भी पॉइंट आपको काम का लगता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे घर में जो हमारे दुपट्टे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे वो हमें नहीं मिलते हैं, तो उनको हमें किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक की कुछ चूड़ियाँ ले ली हैं, पुरानी चूड़ियाँ हैं ये, और इस तरह से लेके उनको टेप के हेल्प से उनको आपस में जोड़ लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं, उनको लगा के आप आपस में इनको जोड़ सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने सारी चूड़ियों को इस तरह से जोड़ लिया है और मैंने एक हैंगर की तरह से इसको बना लिया है। हमारा हैंगर बन के रेडी हो गया है। अब देखिए, इस तरह से आप कहीं पर भी अलमारी के अंदर, कहीं अपने कबर्ड में, कहीं पर भी इसको हैंग कर सकते हैं और अपने स्टोल और अपने दुपट्टों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं एक जगह पर। तो सामने रहेंगे तो उनको निकालना और यूज़ करना भी ईजी हो जाता है ना। तो बढ़ते हैं सेकंड हैक की ओर। देखिए, सेम ऑर्गेनाइज़र को मैंने यूज़ किया है अपनी इयररिंग्स को भी टांगने के लिए। तो आप इनको इयररिंग्स टांगने के लिए भी एज ए इयररिंग होल्डर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इयररिंग्स भी सामने रहेंगी तो आप मैचिंग ड्रेस के साथ इसको आराम से पेयर कर सकते हैं। तो है ना बढ़िया, ये वाला जो आइडिया है ना, बहुत अच्छा है ना। आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने आइडिया की तरफ। तो जो हमारे हैंगर्स होते हैं ना, उसमें भी हम अपने दुपट्टों को इस तरह से एक साथ हैंग कर सकते हैं और एक हैंगर के अंदर ना कई ढेर सारे दुपट्टे हमारे हैंग हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारे सारे दुपट्टे एक जगह पे होते हैं और इस तरह से करके अपनी कबर्ड के अंदर आप उन्हें हैंग कर सकते हैं। तो उनको निकालना, उनको सामने होते हैं ना, तो उनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। देखिए, इस तरह के बॉक्सेस तो सभी के पास होते ही हैं और ये एक मैंने खाली स्प्रे की बॉटल ली है। और चूड़ियाँ क्या होता है, इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं ना, तो उनको मतलब एक जगह पे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरह से एक खाली बॉटल, स्प्रे बॉटल का यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर इस तरह से डाल के आप अपनी चूड़ियों को पूरा आप इस तरीके से भर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपके सामने रहेंगी, आप निकालेंगे और कम स्पेस लेगा और ईज़िली इनको आराम से ये हैंडल हो जाती है। आप इस तरह से बॉक्स के अंदर भी इनको रख सकते हैं, ये भी बहुत ईजी होता है। तो इस तरह से हमारी चूड़ियाँ भी देखिए ऑर्गेनाइज हो गई, कम स्पेस में बंद करके आप कहीं पर भी इनको रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की ओर। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक इस तरह का बॉक्स लिया है। आप भी कोई भी बॉक्स ले सकते हैं इस तरह का, जो भी आपको मिले। उसमें क्या है, देखिए, हम अपनी सारी कॉस्मेटिक की चीज़ें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी लिपस्टिक डाल दी हैं, आप बच्चों के पेन डाल सकते हैं, पेंसिल डाल सकते हैं, मल्टीपर्पज़ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मजबूत होते हैं ये वाले बॉक्स, तो आप इनको ज़रूर यूज़ करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की ओर। तो ये देखिए, फूड कंटेनर है, उसको भी मैंने देखिए एज अ कॉस्मेटिक बॉक्स की तरह ही मैं उसको यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, कुछ खाली बॉक्सेस हैं, तो उनको डिफरेंट वे में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अपने ड्रेसिंग एरिया में यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए, अगर आप भी प्लांट लवर हैं ना, तो आपको भी पेड़ों में पानी डालना और उनको अच्छे से न्यूट्रिशन देना भी ज़रूरी होता है और पसंद भी होगा। तो देखिए, इस तरह से प्याज के छिलकों को मैंने ओवरनाइट सो करके पानी में रख दिया था, उसके बाद मॉर्निंग में इसको छान लेंगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं, बट छानने से क्या होगा कि ये कचरा जो है वो उसमें नहीं जाएगा और मिट्टी भी साफ़ रहती है। तो पानी को छान लीजिए और उसके बाद अपने प्लांट्स को अच्छे से पानी दे दीजिए। ये पानी ना प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और उनको बहुत अच्छे न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं इस पानी के ज़रिए। तो आप भी इस तरह से कभी कभी इस तरह से करके, कभी आलू के छिलके, कभी प्याज छिलके, इस तरह से करके आप पानी बना सकते हैं और अपने प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। तो है ना ये कमाल की टिप।
ज़ीरो बजट है, देखिए हमने कुछ भी बाहर का कुछ भी खर्च नहीं किया और सब कुछ हमारे घर में ही ईजी मिलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए इस तरह से बेडशीट हमारी इधर उधर पड़े रहते हैं, कई बार उनके पिल्लो कवर नहीं मिलते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बेडशीट अलग है पिल्लो कवर अलग है। तो उसके लिए आप क्या करिए, एक पिल्लो कवर तो बेडशीट के अंदर ही रख दीजिए और एक जो पिल्लो कवर है ना उसके अंदर हम बेडशीट को डाल के रख देंगे। देखिए इस तरह से हम पिल्लो कवर को खोलेंगे और उसके अंदर इसको बेडशीट को अच्छे से फोल्ड करके हम रख देंगे। उससे होगा क्या कि हमारी बेडशीट भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगी और कम स्पेस में, आप इसको कहीं पे भी रख दीजिए, देखने में भी अच्छी लगती है और आपको पिल्लो कवर बार बार इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको ईजिली मिल जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है ये, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो अपनी बेडशीट को इस तरह से ही रखती हूँ, बहुत ईजी होता है, देखिए कितने कम जगह में आ गया ना। और पहले अगर आप रखेंगे तो कहीं पिल्लो कवर अलग हो जाता है, बेडशीट अलग हो जाती है, कई बार पिल्लो कवर मिलते भी नहीं है बेडशीट्स के। तो ये बस इस तरह से आप करिए। देखिए सेलो टेप के साथ बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसका एंड पॉइंट मिलता ही नहीं है। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टूथपिक ली है और टूथपिक को लेके यहाँ पे इस तरह से पॉइंट पे लगा दिया। आप चाहे तो पॉइंट को थोड़ा सा फोल्ड करके भी चिपका सकते हैं ताकि पॉइंट हमें ईजिली मिल जाए, बट अगर टूथपिक लगा देंगे तो फिर कोई भी आराम से उसको देख सकता है। तो इस तरह से टूथपिक लगा दीजिए और अपने टेप को अच्छे से वहाँ पर सिक्योर कर दीजिए ताकि पॉइंट ढूंढने में हमें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नया करने। टिल देन बाय एंड टेक केयर। मेरी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी नीचे मेंशन है, प्लीज़ फॉलो मी।